नाउ यहां पर एक नई टर्म यूज की गई है, इसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्यों? एक बार एक शहर के चौक में मार्केट में किसी ने बॉम्ब रख दिया, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड आई। हो सकता है जो भी मैंने सुनाया हो, लेकिन अब याद आ गया तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें, है ना। तुम्हारी आंटी बैठी थी, थोड़ा मुझे सुनती थी, एक हवलदार के पास गया, बोला आंटी हटो बम। कहती क्या? कहता आंटी बम बम हटो बम। आंटी कहती क्या? कहता आंटी बम बम। तो आंटी कहती बेटा अब कहाँ बम, बम तो मैं जवानी में हुआ करती थी, अब कहाँ बम, अब तो बुढ़ी हो गई, जान दो। यहाँ पर एक टर्म है जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। सबसे पहले तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से बैठ लो, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या चीज है? बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप डेल्टा यू नापते हैं, जिससे आप डेल्टा यू नापते हैं। आपको पता है इसका जो आधार होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर का, आपको पता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है, और आपको पता है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट दी जाती है वो डेल्टा यू को रिप्रेजेंट करती है, इंटरनल एनर्जी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, है ना। इंटरनल एनर्जी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है वो इस इक्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू के इक्वेशन के प्रिंसिपल पे बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है वो काम करता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है? दो चेंबर होते हैं, दो चेंबर होते हैं, ऐसे दो चेंबर होते हैं, ठीक है। बाहर वाला जो चेंबर होता है जो मैंने आवाज से बड़ा बना दिया, चलो बन गया तो बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। दो चेंबर होते हैं, बाहर वाला जो चेंबर होता है ये पत्थर का बना हुआ होता है और ये बंद होता है पूरी तरीके से। इसमें भरते हैं पानी और पानी का इनिशियल टेम्परेचर नाप लेते हैं कितना है, जिस टेम्परेचर का पानी भर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमने नाप लिया, तो हमारे पास टेम्परेचर आ गया पानी का। फिर क्या करते हैं? फिर इसमें लगाते हैं थर्मामीटर, मिल रहा है कि नहीं? गिरा, फिर इसमें लगा देते हैं थर्मामीटर, ठीक है ना। क्या लगा लगा पे? थर्मामीटर। ये थर्मामीटर क्या करेगा? पानी का टेम्परेचर नापेगा। क्या करेगा ये? ये पानी का टेम्परेचर नापेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये वाला कंटेनर होता है बाहर वाला, ये बना होता है स्टोन का, बहुत पतला सा छेद होता है, इसमें थर्मामीटर लगा होता है और वो छेद भी इंसुलेटर कोटिंग से बंद होता है, उसके बाहर इंसुलेटर की कोटिंग रहती है ताकि बिल्कुल भी हीट बाहर निकल पाए, प्योरली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम हो गया। ये वाला कंटेनर होता है मेटल का, क्योंकि मेटल जो होती है वो क्या करती है? मेटल जो होती है वो हीट का करती है, कंडक्शन करती है। इसके अंदर यहाँ पर एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं बॉम्ब, इसके अंदर स्पेस होता है बॉम्ब। यहाँ पर बॉम्ब में हम रख देते हैं सैंपल, जो बॉम्ब होता है ना बॉम्ब में रख दिया हमने सैंपल, और इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर से इसे इग्नाइट कर दिया, जला दिया, कम्बस्टन कर दिया इसका। अब जो कम्बस्टन होगा तो कम्बस्टन से हीट निकलेगी, कम्बस्टन जो होगा उस कम्बस्टन से हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो हीट निकल के बाहर जाएगी। क्यों बाहर जाएगी? क्योंकि कंटेनर जो है ये मेटल का बना हुआ है, क्यों हीट निकल के बाहर गई? और क्योंकि बाहर वाला जो कंटेनर स्टोन का बना हुआ है और स्टोन जो होता है हीट का इंसुलेटर होता है, तो सारी की सारी हीट इसी पानी को मिलेगी, सारी की सारी हीट इसी पानी को मिलेगी, तो हीट लॉस्ट बाय सैंपल बराबर हीट टेकन बाय वाटर एन सी डेल्टा टी, वेयर एन इज द मोल ऑफ वाटर, सी इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर, मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। यहां से आपको सैंपल से हीट लॉस पता लग गई, पूरा का पूरा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, तो जो भी हीट यहां से निकली है वो सारी की सारी हीट किसके बराबर है? वो सारी की सारी हीट डेल्टा यू के बराबर है, वो सारी की सारी हीट किसके बराबर है? वो सारी की सारी हीट डेल्टा यू के बराबर है। तो इस तरह से डेल्टा यू निकाला जाता है, इस तरह से डेल्टा यू निकाला जाता है। तो डेल्टा यू बराबर हीट लॉस्ट बाई सैंपल हीट गेंड बाई वाटर एन सी डेल्टा टी। हालांकि ना आपको, ना तो आपको एक कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, ना आपको इस पर कोई न्यूमेरिकल करने को आ रहा है, कुछ नहीं आएगा करने के लिए। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से नापी गई हीट का मतलब डेल्टा यू है। अगर वो क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहा है, अगर वो क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहा है, तो जो हीट दिया है वो डेल्टा यू है। केवल इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसके अलावा कोई भी बात आपको ना तो अपने दिमाग में रखनी है, ना आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ना तो कोई भी बात आपको दिमाग में रखनी है और ना ही आपको याद रखनी है, ठीक है। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो डेल्टा यू का मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, लिक्विड बेंजीन है जिसका हम लोगों ने कम्बस्टन किया है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6 लिक्विड, रिएक्शन मुझे काफी हद तक याद हो गई है। टेम्परेचर 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम है, तो वाटर लिक्विड फेज में रहेगा, वेपर नहीं बनेगा, वाटर लिक्विड फेज में रहेगा, वाटर वेपर नहीं बनेगा, ठीक है ना।
डेल्टा यू बराबर -3270 किलो जूल पर मोल। सर माइनस तो दिया नहीं था, लेकिन हीट ऑफ कम्बस्टन तो दिया था। कम्बस्टन हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और क्योंकि कम्बस्टन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसलिए कम्बस्टन की हीट भले ही तुम्हें नेगेटिव दी हो चाहे ना दी हो, कम्बस्टन की हीट भले ही तुम्हें नेगेटिव दी हो चाहे ना दी हो, तुम्हें उसे नेगेटिव ही लेकर चलना है, वरना गलत हो जाएगा आंसर। देखो मैंने गलत लिख भी दिया मैंने गलत, ये डेल्टा यू है, ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 1.5 मोल के लिए, तो वही अप्रोच फॉलो करेंगे हम जो पहले कर रहे थे। क्या अप्रोच? पहले 1 मोल के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर 1.5 मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो डेल्टा एनजी कितना होगा इसमें, इधर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, दोनों पित्त से आउट है, क्लोरीन माइनस ऑक्सीजन, ये आ गया -1.5, ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर आर टी -3270 -3/2 आर की वैल्यू 25/3 क्योंकि जूल में डील कर रहे हैं, टेम्परेचर 300 और इस पूरे को किलो जूल में चेंज करना है, क्योंकि आगे वाला किलो जूल में तो पीछे वाले को भी किलो जूल में लाना है, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये काटे ये काटे, ये आ जाएगा निकल के 3273.75 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -3273.75 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच फॉर 1 मोल बेंजीन निकाल ली है, 1.5 के लिए निकालना चाहते हैं तो इतनी निकल आएगी, पिछले एग्जांपल की तरह यहाँ पर भी यूनिट केवल किलो जूल होगी, क्योंकि उधर का पर मोल उधर का मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एम्स में आया हुआ है 2004 या 2005 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू के क्वेश्चंस। पांचवा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पांचवा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डेल्टा एच पर क्या पड़ता है वो हम लोग देखते हैं किरचॉफ इक्वेशन से, किससे देखते हैं किरचॉफ इक्वेशन से देखते हैं और इसे